हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी। चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसका इंट्रोडक्शन, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, वैरीड लैंड फॉर्म्स, प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, लेक्स, कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट्स, एटीसी, वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, वेरियस कलर्स ऑफ सॉयल, ऑल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बोला गया कि हमारा जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, ये कैसे बना, कैसे तैयार हुआ, इस चीज़ को हम लोग को समझना होगा। तो ये अचानक रातों रात तो तैयार हुआ नहीं है, इसको तैयार होने में काफ़ी साल लगे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, और ये सब कुछ नेचुरल फैक्टर है। इसीलिए ये बोला गया कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और इसमें बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं। बहुत सारे लैंड फॉर्म्स में प्लेन्स है, जो कि फर्टाइल प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स आसाम तक फैला हुआ है, पंजाब से लेके, और इसमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होता है। माउंटेन्स है, माउंटेन्स की वजह से फॉरेस्ट है। प्लेट्यूज़ है, प्लेट्यूज़ की वजह से बहुत सारे प्रीशियस मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, एटीसी। तो इस तरीके से ये सब कुछ स्ट्रक्चर फिजिकल फीचर्स में शामिल होता है। इसमें बहुत तरह के रॉक्स हैं, इसमें अलग अलग रॉक्स के वजह से, अलग अलग रॉक्स के कारण क्या है कि सॉयल्स का कलर भी अलग है। कोई रेड सॉयल है, कोई येलो सॉयल है, कोई ब्लैक सॉयल है। एलुवियल तो हम लोग जान रहे हैं, रिवर के डिपॉजिट से बनता है। तो ऑल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इस तरीके से इंडिया में अलग अलग जो भी प्लेसेज हैं और उसमें अलग अलग जो लैंड फॉर्म्स हैं, वो सब एक दूसरे से वेरी करता है, यानी बिल्कुल अलग है, डिफरेंट टाइप का है। अब इसके कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट में क्या है। इंडिया इज अ लार्ज लैंड मास फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड। इंडिया एक बहुत बड़ा लैंड मास है, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत बड़ी है और ये अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड में बना है। अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन हैव क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। जो भी वेदरिंग का कॉन्सेप्ट है, वेदरिंग का मतलब टूटना फूटना, ये रिवर वाटर या ग्लेशियर या रेन वाटर या फिर विंड, किसी भी वजह से होता है। तो वेदरिंग मतलब टूटना फूटना, इरोजन मतलब बहकर आगे जाना, और डिपोजिशन मतलब कहीं जाकर जमा होना। तो ये सारे प्रोसेसेस लगातार होते रहते हैं नेचर में। ये तीनों कॉन्सेप्ट होता है, ये वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ये सब कुछ कभी विंड से होता है, कभी वाटर से होता है, कभी ग्लेशियर की वजह से होता है, और ये लगातार प्रोसेस में चलता रहता है। तो इस तरीके से ये सब कुछ प्रोसेस, इस नेचुरल प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है नेचुरल, ये फिजिकल फीचर्स में ये सब कुछ शामिल होता है। अर्थ साइंटिस्ट्स एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंसेस। हमारे जो जियोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो कुछ भी हमारा अर्थ बना है, और खासकर हम लोग इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड में बना है, और इसके लिए नेचुरल फैक्टर्स जिम्मेवार है, और इसके लिए नेचर में कब कब कैसे कैसे क्या क्या चेंजेज आया, और उस चेंजेस से किस किस तरह के लैंडफॉर्म बने, आइए हम लोग उसको एक तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स दिया, साइंटिस्ट ने। और थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि अर्थ जो है वो कुल 7 मेजर या सम माइनर प्लेट्स पे बना हुआ है। यहाँ हम लोग अर्थ और उसके सारे प्लेट्स बनाए हुए हैं, वर्ल्ड प्लेट मार्जिन्स बनाया हुआ है, ये 7 मेजर प्लेट्स बनाए हुए हैं। और इस 7 मेजर प्लेट्स में सारे प्लेट्स का नाम क्या हो गया, तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जिसमें इंडिया और ये ऑस्ट्रेलिया और कुछ पार्ट्स यहाँ एशिया का है। दूसरा यूरेशियन प्लेट, देख सकते हैं कितना बड़ा है, ठीक है, ये यूरेशियन इसलिए नाम है क्योंकि ये हाफ पार्ट, यहाँ का ये पार्ट यूरोप है और इधर का ये पार्ट एशिया है, ठीक है, इसलिए इसका नाम यूरेशिया है। इसके इधर ये पैसिफिक प्लेट है, जापान के ठीक साइड में, और इस साइड में आपका ये अफ्रीकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, और यही पैसिफिक प्लेट यहाँ भी दिया हुआ है, यही पैसिफिक प्लेट है जो कि एक्चुअली एकदम गोल हो जाता है। इस साइड का इतना स्ट्रक्चर और उस साइड का, उस स्ट्रक्चर को देखें तो वो गोल हो जाता है। और ये 7th है अंटार्कटिक प्लेट,
तो ये सात प्लेट्स है और जहां पर ये ब्लैक पॉइंट्स बनाए हुआ है, ये ब्लैक पॉइंट्स ये शो करता है कि ये काफी डिस्ट्रक्टिव हैं। ये पूरा का पूरा इंडिया का हिमालयन रेंज से होता हुआ, यहाँ ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया मलेशिया वाला पार्ट से होता हुआ, चाइना और इधर जापान से होकर रशिया के इस पार्ट तक जाता हुआ, ये सारा ब्लैक स्पॉटेड एरिया जो है, खासकर ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच वाला ये एरिया भी, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। और जहाँ पर ये ब्लैक पॉइंट्स नहीं है, सिंपल है, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं है। ये प्लेट्स भी दिखता है कि कौन सा प्लेट किस साइड मूव कर रहा है। तो अफ्रीकन प्लेट इस साइड में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की तरफ मूव कर रहा है, पैसिफिक प्लेट जो है वो गोल साइड में बना हुआ है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अपवर्ड मूव कर रहा है यूरेशियन प्लेट की तरफ, पैसिफिक प्लेट का मूवमेंट इधर यूरेशियन प्लेट की तरफ है, और इस तरीके से ये सारे प्लेट्स बने हुए हैं और इनका मूवमेंट भी दिख रहा है। एक्चुअली ये शो कर रहे हैं कि ये प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिविटी पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। प्लेट्स जब एक दूसरे के साथ मूव करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये कभी वर्जेंट बाउंड्री की तरफ मूव करते हैं, कभी डाइवर्जेंट बाउंड्री की तरफ मूव करते हैं, तो कभी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की तरफ मूव करते हैं। और इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि अर्थ पे कभी कभी हम लोग अर्थक्वेक फील करते हैं, कभी कभी सुनामी फील करते हैं और वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो ये प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन या फिर सुनामी जैसे और भी नेचुरल हम लोग डिजास्टर्स को फेस करते हैं। आगे द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स एवब। रॉक पे दबाव पड़ता है, यानी मेंटल पे, कॉन्टिनेंटल मेंटल पे दबाव पड़ता है और उसकी वजह से ये भी मूव करते हैं। इट लीड्स टू फोल्डिंग फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज। इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये मूवमेंट होता है प्लेट्स का, तो इसकी वजह से या तो फोल्डिंग होता है, फॉल्टिंग होता है, या फिर थर्ड में बोल रहा है वॉल्केनिक एक्टिविटीज होता है। फोल्डिंग का मतलब कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर जा रहा है, नीचे जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये प्लेट नीचे जा रहा है इस प्लेट नंबर टू के, तो नीचे जाने की वजह से ये प्लेट टू के ठीक इसके ऊपर वाला एरिया ऊपर उठेगा। इस फोल्डिंग की वजह से और फॉल्टिंग की वजह से माउंट हिमालयन रेंज बना, ठीक है, जहाँ पहले टेथिस सी हुआ करता था। आगे प्लेट मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। हम लोग इस प्लेट मूवमेंट को थ्री टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला कन्वर्जेंट बाउंड्री, सम प्लेट्स कम टूवर्ड्स ईच अदर। कन्वर्जेंट बाउंड्री, इसमें दो प्लेट्स होते हैं, एक प्लेट कमजोर होता है, दूसरा प्लेट थोड़ा हार्ड मजबूत होता है, तो जो कमजोर होता है वो थोड़ा नीचे चला जाता है प्लेट टू के, और उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे फोल्डिंग होने लगता है। फोल्डिंग का मतलब कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक दूसरा लेयर बनता चला जाता है, और ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है, अचानक नहीं होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता रहता है, लगातार होता है, और इसकी वजह से हमारे अर्थ पे फिजिकल फीचर में चेंजेस आता है। फिजिकल फीचर में चेंजेस का मतलब कि यदि यहाँ पे एक नीचे जा रहा है तो वहाँ पर हिल्स या वैलीज हो जाएगा, जो ऊपर जा रहा है वहाँ पे माउंटेन्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डाइवर्जेंट बाउंड्री, सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। दो प्लेट्स जब एक दूसरे से दूर जाते हैं, दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो बीच में गैप होता है, इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि सुनामी जैसा कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम लोग डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। नंबर थ्री ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इन दिस इवेंट टू प्लेट्स कमिंग टूगेदर दे मे आइदर कोलाइड और क्रम्बल और वन मे स्लाइड अंडर द अदर एंड मूव हॉरिजॉन्टली ईच अदर। इसमें क्या होता है कि दो प्लेट एक दूसरे के सामने हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आ रहा है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ये मूवमेंट चलता रहता है। और जब इस मूवमेंट से जब ये मूवमेंट होता है तो इसमें कोलाइड और क्रम्बल दोनों होता है। कोलाइड और क्रम्बल का मीनिंग हो गया कि इसमें बहुत टकराएंगे, रगड़ाएंगे, घिसेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे कॉन्टिनेंटल मेंटल पे प्रेशर होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे भूकंप जैसा, अर्थक्वेक जैसा कॉन्सेप्ट आएगा। नेक्स्ट ड्यू टू इट चेंजेस द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। इसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉन्टिनेंट का साइज है, चाहे वो
ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या अंटार्कटिक प्लेट हो, ये सब के प्लेसेस में चेंजेस आने लगता है, उसके साइज में भी चेंज आता है। जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का मूवमेंट ऊपर नॉर्थवर्ड्स की तरफ है, तो जब ये नॉर्थवर्ड्स की तरफ ऊपर जाएगा तो कॉन्टिनेंट का साइज भी चेंज होगा। यूरेशियन प्लेट बहुत बड़ा है तो ये अपने जगह पर स्थिर है, इसका कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट ये रशियन साइड का, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का मूवमेंट दिख रहा है ये छोटा है इस यूरेशियन प्लेट से। तो छोटा प्लेट जब इस बड़े प्लेट पे जाएगा तो यहाँ पे ये नीचे, ये कमज़ोर प्लेट नीचे जाएगा और मजबूत प्लेट वहीं रहेगा, उसकी वजह से ऊपर में फिजिकल फीचर में चेंजेस होगा और नीचे जो जा रहा है वहाँ पर वैलीज और हिल्स हो जाएंगे, और जो ऊपर उठ रहा है वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि माउंटेन या माउंटेन रेंज जैसा कॉन्सेप्ट बनने लगता है। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया, और इस तरीके से इंडिया के जो प्रेजेंट फीचर हैं, फिजिकल फीचर, जिसमें कि माउंटेन, डेजर्ट, प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स, ये सब कुछ है, वो इसी फीचर की वजह से दिखता है नॉर्मली हम लोग का, यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की वजह से। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री वाला में जब ये ऊपर और नीचे जा रहा है तो इस तरीके से प्लेट वन प्लेट टू जब हॉरिजेंटली मूव करता है, कोलाइड और एक दूसरे के साथ क्रम्बल करता है, तो इसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री करते हैं, और इसके वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया के आसपास के बहुत सारे फिजिकल फीचर्स बने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मोस्ट वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट प्लेट मार्जिन्स बट सम डू अकर विद इन द प्लेट्स। बहुत सारे जितने भी प्लेट मार्जिन्स हैं, ये जो मार्जिन्स दिख रहा है आपको, ठीक है, ये इंडिया का हिमालयन पार्ट हो गया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच का पार्ट हो गया, यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यहाँ से होता हुआ रसिया, ये हो रहा है। तो इस तरीके से ये सारे जो प्लेट मार्जिन्स हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग को नेचुरल डिजास्टर फेस करना पड़ता है मोस्टली, मोस्ट ऑफ द केसेज में, लेकिन कुछ केसेज में बोल रहा है सम डू अकर विद इन द प्लेट्स, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि कभी कभी नेचुरल डिजास्टर्स इस प्लेट के अंदर भी होता है।